हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फैंटासी क्रिकेट लीग में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल फर्स्ट BBL मैच में जो खेला जाएगा रंगपुर राइडर्स और चीतागंग के बीच में, हम उस मैच की बात करेंगे और टीम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखें। तो इसके पहले प्लेइंग 11 की तरफ देख लेते हैं जो टू मच इम्पोर्टेंट है फर्स्ट मैच के लिए। तो प्लेइंग 11 बात करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि एवी डिविलियर्स शायद कल का मैच नहीं खेलेगा। उसका कुछ भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ चुका है, लेकिन उसका खेलने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि उसके एबिलिटी के लेकर एक सवाल पैदा हुआ है। अगर नहीं खेलेगा एवी डिविलियर्स को उसकी प्लेस में राइली रोसो को मौका मिलेगा। चलिए प्लेइंग 11 की तरफ देख लेते हैं। तो क्रिस गेल एलेक्सिस ओपन करते हुए दिखेगा, उसके बाद मेहदी मारूफ को देखेगा, उसके बाद अगर डेविलियर्स नहीं खेलेगा तो फिर रायली रोसो को, उसके बाद मोहम्मद मिठुन, रवि बोपारा, मशरफी मुर्तजा जो टीम का कप्तान है, सुहाग गाजी एक स्पिनर है, नजमुल इस्लाम, सैफुल इस्लाम, अबुल हुसैन और फरहंत राजा के बीच में कोई एक खेलेगा। वही चीतागंग के टीम में लुक रोंची के साथ मोहम्मद शहजाद ओपन करते हुए दिखेगा, उसके बाद शहदान इस्लाम और यासिर अली के बीच में कुछ खेले देखेगा, मुशफिकुर रहीम जो टीम का कैप्टन है, आप सेफ टीम के साथ ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं माई एक्सपर्ट 11 में मैं जो टीम बनाए हैं उसके बारे में। यही सेम टीम आप ड्रीम 11 में भी यूज़ कर सकते हो। तो माई एक्सपर्ट 11 बहुत अच्छी ट्रस्टेड वेबसाइट है, मैं 2 बार विड्रो ले चुका हूँ, 2 बार ही विड्रो आ चुका है। आपको इस टीम देखने के बाद एक बार फिर विड्रो दिखा दूंगा कि आ चुका है। आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिए, साइन अप करते वक्त मेरे रेफरल कोड ज़रूर डाल देना ताकि आपको भी बोनस मिल जाए और मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। इसका लिंक और रेफरल कोड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। न्यू वेबसाइट है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, आप आसानी से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। चलिए टीम की बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पे 3 ऑप्शन है जो तीनों ही खेलने वाले हैं, मोहम्मद मिठुन, मुशफिकुर रहीम एंड मोहम्मद शहजाद। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से रहीम और शहजाद के बीच में शहजाद को प्रेफर करना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ओपनिंग में आते हैं। आप रहीम के साथ भी जा सकते हो क्योंकि टीम का कैप्टन है। बैटिंग सेक्शन में मैंने 3 बैट्समैन लिए हैं, एलेक्स हेल्स, लुक रॉन्ची एंड क्रिस गेल। हालांकि मैंने लेना चाहता था डिविलियर्स को, लेकिन उसको खेलना ना खेलना कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए लुक रॉन्ची का परफॉर्मेंस और क्रिस गेल का परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन सेफ टीम के लिए यही ठीक है। हालांकि T20 का बेस्ट बैट्समैन क्रिस गेल लुक रॉन्ची इसको माना जाता है, लेकिन लुक रॉन्ची के लास्ट सेशन का परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। एलेक्स हेल्स बहुत बड़े तगड़े हिटर हैं, तीनों ही बैट्समैन हिटर जैसा हिटर ही है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने रवि बोपारा, सिकंदर राजा एंड मुसद्दक हुसैन को मैंने लिया है। दसुन सना का कल का मैच नहीं खेलेगा तो ये फाइनल हो चुका है। BBL में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी होता है, इसके पहले सेशन में भी मैंने देखा था। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जहाँ पे प्लेइंग 11 देखकर टीम बना सकते हो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट मैच में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ आ चुका है वो आपको मैंने दे ही दिया और न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा वेबसाइट के बीच में, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगा। बॉलिंग सेक्शन में मैंने नीम इस्लाम, नजमुल इस्लाम, मशरफ़ी मुर्तजा एंड सुजामुल इस्लाम को मैंने लिया है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सुहाग गाजी है जो सेफ ऑप्शन है, रॉबी फाइलिंग का खेलना नहीं खेलना कंफर्म नहीं है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। तो टीम बनाने के टाइम में एक बार प्लेइंग 11 ज़रूर देख लेना। प्लेइंग 11 तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया,
आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए देख लेते हैं क्या हमारे लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट कैप्टन रवि बोपारा ही रहेगा, और वाइस कैप्टन आप क्रिस गेल को भी ट्राई कर सकते हो, लुक रॉन्ची को भी ट्राई कर सकते हो। मैं थोड़ा सेफ जाने के लिए सिकंदर राजा के साथ जा रहा हूँ, जो 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी करेंगे और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और ऐसे भी बांग्लादेश का पिच जो है वो स्लो पिच माने जाते हैं, स्पिनर्स को बहुत ही हेल्प मिलता है, इसीलिए सिकंदर राजा को वाइस कैप्टन दिया है। आप एक काम कर सकते हो, आप सिकंदर राजा को कैप्टन, रवि बोपारा को वाइस कैप्टन भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये आप लोग डिसाइड कर लेना। चलिए सेफ टीम पे क्लिक करते हैं और आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा देते हैं। तो ये रहेगा मेरा टीम का प्रीव्यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप ड्रीम इलेवन या फिर बल्लेबाजी में टीम बना लीजिएगा। और माई एक्सपर्ट इलेवन को आप लोग साइन अप कर लीजिए, साइन अप करते हुए मेरे रेफरल कोड डाल देना और डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। ये जो प्लेयर न्यूज़ है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिसमें लिखा है एवी डिविलियर्स नॉट नहीं खेलेगा, दसुन सना का भी खेलना नहीं खेलना कन्फर्म, दसुन सना का नहीं खेलेगा, एवी डिविलियर्स का खेलना नहीं खेलना कन्फर्म नहीं है, अगर अवेलेबल रहेगा तो मैच खेलेगा ज़रूर। चितागंग विंग्स का कैप्टन मुशफिकुर रहीम है, रंगपुर राइडर्स का कैप्टन मशरफी मुर्तजा है, जहाँ पे क्रिस गेल एलेक्स हेल आपको ओपन करते हुए देखेगा रंगपुर राइडर्स की तरफ से, सुहाग गाजी या नजमुल इस्लाम स्पिनिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, वही स्कीपर मशरफी मुर्तजा लीड द पेस अटैक। तो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए जो बात कर रहा था वो दिखा देते हैं, जो मैंने 200 रुपीज़ का इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था उसका विड्रॉ आ चुका है। ये रहा उसका मेल आईडी, तो लगभग ये टाइम तो नहीं दिखा रहा है, 4 जून को आया है यहाँ पे, तो 8:30 बजे तक ये मेल आ चुका था मेरे पास, तो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अभी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है, आप यहाँ पे खेल के बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और वीडियो को लाइक कर देना और कुछ क्वेरी हो तो कॉमेंट कर देना। ओके बाय, टेक केयर।